नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा में 15 दिनों का लॉकडाउन, 5 से 19 मई तक पाबंदियां। मानसिक रूप से कमजोर युवती को अगवा कर गैंगरेप, हत्या के मामले में आरोपी को जमानत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ओडिशा में 15 दिनों का लॉकडाउन, 5 से 19 मई तक पाबंदियां। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मुख्य सचिव SC मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि 5 मई 2021 की सुबह 5 बजे से 19 मई 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीजें खरीदने की इजाजत दी जाएंगी। सप्ताहांत के दौरान वे सिर्फ चिकित्सीय सेवा के लिए ही घर से निकल सकेंगे। तो वही दूसरे और मानसिक रूप से कमजोर युवती को अगवा कर गैंगरेप। काम की खोज में घूम रही युवती को ऑटो चालक ने मदद का झांसा देकर साथी के साथ मिलकर गैंगरेप का शिकार बनाया है। 2 माह बाद सामने आए इस प्रकरण में कपिल नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद शहबाज इस्लाम शेख कामटी तथा मोहम्मद सलीम शेख कामगार नगर है। पुलिस की सजगता से 2 माह बाद यह मामला सामने आया है। तो वही तीसरे और हत्या के मामले में आरोपी को जमानत। नागपुर बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने हत्या के मामले में आरोपी राकेश नारायण सरनाईक को सशर्त जमानत मंजूर की। आरोपी वाशिम जिले के कौड़ा तहसील के रिसोर्ट गांव का निवासी है। शिकायत के मुताबिक 19 नवंबर 2020 को राजेश समेत अन्य आरोपियों ने रवि के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।